नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। देखिए 18वीं लोकसभा के लिए देश में चुनाव हो चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है और एनडीए की सरकार अब एक बार फिर देश में बन चुकी है। इसी के साथ ही 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली। उसके बाद कल यानी 10 तारीख को ये खबर आई कि सबको मंत्रालय भी प्रधानमंत्री मोदी ने बांट दिए हैं। एक एक करके बताएंगे किसको क्या मंत्रालय मिला है, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि सेंटर ऑफ पावर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भाजपा के पास ही रखा है। यानी सेंटर ऑफ पावर का मतलब ये कि जो बड़े मंत्रालय थे वो भाजपा ने अपने सहयोगियों को नहीं दिए हैं और उसको अपने पास ही रखा है, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे और भी हो, सेंटर ऑफ पावर आज भी मोदी के हाथ में ही है। जो ऐसा कयास लगाया जा रहा था वैसी तस्वीर नहीं बनी, तस्वीर बिल्कुल अलग है। एक एक करके आपको बताएंगे किसको क्या मंत्रालय मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री की। गृह मंत्री आपको पता है पहले भी अमित शाह थे, अब की बार भी अमित शाह को गृह मंत्रालय मिला है। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला है, नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय मिला है। एज यूजुअल वो बहुत अच्छा काम करते हैं, इस बात को हर कोई जानता है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में मोदी सरकार में सबसे अच्छे मंत्रियों में उनकी गिनती होती है। इसके बाद जेपी नड्डा अब तक पार्टी अध्यक्ष हैं। 2014 वाली मोदी सरकार में जेपी नड्डा के पास भी मंत्रालय थे, लेकिन बाद में 2.0 में जब मोदी 2.0 का गठन हुआ उस वक्त जेपी नड्डा को मंत्रालय नहीं देकर पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन अब की बार मोदी 3.0 में जेपी नड्डा को मंत्रालय दिए गए हैं। इसमें मंत्रालयों में स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन मंत्रालय जेपी नड्डा के पास है। इसके बाद बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कई दशकों तक सीएम रहे हैं। इसके बाद जो शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है, कृषि मंत्रालय जो है अब तक नरेंद्र सिंह तोमर के पास था। नरेंद्र सिंह तोमर को दोबारा विधायक बनाकर उन्होंने मध्य प्रदेश भेज दिया है मोदी ने, और अब की बार शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे निर्मला सीतारमण की। निर्मला सीतारमण कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो। इसके बाद एस जयशंकर, जैसे पहले दो कार्यकाल में थे एस जयशंकर, आज भी विदेश मंत्री हैं। इसके बाद हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को दिया गया आवास शहरी मामले का मंत्रालय। एचडी कुमार स्वामी, ये एक बड़ा नाम है, एचडी कुमार स्वामी जेडीएस के खाते से, जी हाँ, जनता दल सेकुलर जो कर्नाटक की पार्टी है, जेडीएस के खाते से एचडी कुमार स्वामी को दिया गया है भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय। इसके बाद पीयूष गोयल आते हैं, पीयूष गोयल के पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, बड़ा नाम धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर अब की बार बनाया गया। जीतन राम मांझी, बिहार की हम पार्टी जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है सेकुलर, जीतन राम मांझी को अब की बार मंत्रालय में शामिल किया गया। एक ही सांसद है, खुद ही जीते हैं गया से, बिहार की गया लोकसभा सीट से खुद जीत के आए हैं। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है। वहीं बात करें ललन सिंह की, ललन सिंह जेडीयू के खाते से हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से हैं, उनके पहले अध्यक्ष भी रहे हैं जेडीयू के, इनको दिया गया पंचायती राज एवं फिशरीज मंत्रालय। फिशरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ललन सिंह को अब की बार दिया गया है मोदी 3.0 में। इसके बाद बात करें सर्बानंद सोनोवाल को, सर्बानंद सोनोवाल को जो है अब की बार पोर्ट शिपिंग एवं जनमार्ग मंत्रालय अब की बार दिया गया है। वहीं 15वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की कमान प्रधानमंत्री ने अब की बार सौंपी है। राममोहन नायडू, ये एक बड़ा नाम है, राममोहन नायडू टीडीपी के खाते से है। टीडीपी अब की बार आपको बता दें किंग मेकर की भूमिका में अब की बार एनडीए में शामिल है। टीडीपी के 16 विधायक हैं, 16 सबसे बड़ा जो बीजेपी के बाद एनडीए में दल है वो टीडीपी है। टीडीपी के राममोहन नायडू को बाद नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय अब तक भाजपा के पास था, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसकी कमान संभाल रहे थे, लेकिन अब की बार ये टीडीपी के खाते में चला गया है और इसके मंत्री बनाए गए हैं राममोहन नायडू। इसके बाद आते हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी भाजपा के बड़े नेता हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं पिछली बार, अब की बार प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय दिया गया है। वहीं बात करें जेएल ओराव की, जेएल ओराव को आदिवासी मामलों का मंत्रालय बना दिया गया है। इससे पहले ये मंत्रालय अर्जुन मुंडा के पास था, लेकिन अब की बार अर्जुन मुंडा को शिफ्ट करके ये मंत्रालय जो है जेएल ओराव को दिया गया। गिरिराज सिंह की बात करें, गिरिराज सिंह बिहार से हैं, बेगूसराय सीट से आते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बिहार कोटे से गिरिराज सिंह को एक बार फिर मोदी 3.0 में जगह मिली है और उसको
अब की बार कपड़े मंत्रालय दिया गया है। वहीं बात करें अश्विनी वैष्णव की, देखिए जो पूर्व नौकरशाह हैं, नौकरशाहों की अब की बार चार नौकरशाहों को इसमें मोदी 3.0 में जगह मिली है। अश्विनी वैष्णव उनमें से एक हैं। अश्विनी वैष्णव को अब की बार रेल मंत्रालय दिया गया है, सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया है। ये बड़ी बात है, सूचना प्रसारण मंत्रालय इससे पहले जो है अनुराग ठाकुर के पास था, अनुराग ठाकुर को अब की बार मंत्रालय में जगह नहीं मिली है। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को दिया गया, रेल के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अब तक नागरिक उड्डयन मंत्री थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो मंत्रालय ना देकर अब की बार भाजपा ने संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का मंत्रालय अब की बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया है। भूपेंद्र यादव, बड़ा नाम है भाजपा के भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव को अब की बार भाजपा ने दिया है। उधर बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत वो मंत्री थे जो जल शक्ति मंत्री हुआ करते थे। जब जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ था तो पहली बार गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय का कमान सौंपी थी भाजपा ने, अब की बार लेकिन उनका मंत्रालय बदल दिया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय गजेंद्र शेखावत को अब की बार भाजपा में दिया गया है। उधर बात करें एक और महिला की जो मोदी कैबिनेट में शामिल है, उसमें नाम है अन्नपूर्ण देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अब की बार दिया गया है। ये वही मंत्रालय है जो स्मृति ईरानी के पास था, लेकिन स्मृति ईरानी चूंकि अब की बार हार गई थी अमेठी सीट से, किशोरीलाल शर्मा से उनकी लड़ाई थी, कांग्रेस के उनकी लड़ाई थी, तो अब की बार जब वो हारी तो उनका मंत्रालय भी उनके हाथ से चला गया, तो अब की बार ये मंत्रालय भाजपा ने अन्नपूर्ण देवी को दिया है। बात करेंगे किरेन रिजिजू की, किरेन रिजिजू देखिए केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पहले भी कानून मंत्री रहे, अब की बार उन्हें संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री एनडीए में बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी एक और नौकरशाह जो मोदी सरकार में लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, वो पहले शहरी आवास मंत्री थे, अब की बार उनको पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का मंत्रालय दिया गया है, उनको कमान दी गई है पेट्रोलियम मंत्रालय की। मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया एक बड़ा नाम है मोदी सरकार में, मनसुख मांडविया के पास कई मंत्रालय रहे हैं पिछली सरकारों में, अब की बार उन्हें दिया गया है शुरुआत में श्रम रोजगार एवं युवा व खेल के मामलों का मंत्रालय उनको दिया गया है मनसुख मांडविया को। उधर बात करें जी किशन रेड्डी साउथ से आते हैं, बड़ा नाम है, कोयला एवं खनन उनको दिया गया है अब की बार। चिराग पासवान बड़ा नाम है बिहार से, चिराग पासवान 5 सांसद है, पहली बार 5 सीटों पर लड़े थे, 5 की 5 सीट जीत के आए थे, अपने आप को हनुमान बताते हैं चिराग पासवान जो है, पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे अब की बार जो शामिल होंगे मंत्रालय में। चिराग पासवान को इस बार खाद्य प्रसारण का मंत्रालय दिया गया है, उनको कैबिनेट में शामिल किया गया है पहली बार। सीआर पाटिल एक और बड़ा नाम भाजपा में, उनको जल शक्ति मंत्रालय अब की बार बीजेपी में दिया गया है। तो ये कुछ मेन मेन मंत्रालय थे जो कैबिनेट मंत्री थे, इन सब की लिस्ट आपके सामने हमने रखी, और कई जो फेरबदल भी हुए हैं अब की बार इन मंत्रालयों में देखे गए हैं, चाहे वो जल शक्ति मंत्रालय को लेके हो, चाहे सूचना प्रसारण मंत्रालय को लेके हो, चाहे एविएशन मिनिस्ट्री को लेके हो, नाम चेंज हुए हैं, बड़े नाम गए हैं तो कुछ बड़े नाम शामिल भी हुए हैं जो है मोदी 3.0 का ये अभी पहला शपथ ग्रहण समारोह। तो इसके बाद जब एक्सटेंड होगा मंत्रालय उसमें देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन और नए मंत्री बनते हैं, क्या जो पुराने मंत्री थे उनको एक बार फिर वापस ले आया जाएगा राज्यसभा के रास्ते, या फिर कोई और तरीके से उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मोदी 3.0 का मंत्रालय अब सबको मंत्रालय बट गया है। आप लोगों की इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए, और इस तरह की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल आर एन न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।